वेलकम टू टेक पोडियम, स्टे कनेक्ट एंड अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी ब्लॉग को लिखते समय या ब्लॉग के आर्टिकल को जो हम लोग लिखते हैं उसमें हम कम समय में कितना अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल लिखने के लिए जो हम कीबोर्ड्स पे सारी चीज़ें करते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है और साथ में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो बहुत ही कम समय में हमें एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं और दिन भर में अगर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम एक दिन में लगभग 4 से 5 आर्टिकल बड़े आसानी से लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पूरी तरह अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर रखें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पे गूगल में, यहाँ से नहीं, आपको इसके तरीके बताता हूँ। ये कॉर्नर पे आप आएंगे, ये आपको कुछ गूगल ऐप्स के संबंधित में दिख रहा है साइन इन के बगल में। आपको सिंपल यहाँ क्लिक करना है और आपको गूगल ड्राइव पे आना है। तो मैं आपको ड्राइव के नया एक टैब पे लेके चलता हूँ। ये ओपन हो गया है और इसमें आपको लॉगिन कर लेना सबसे पहले, तो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। आप चाहें तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप चाहे यहाँ से कहीं से भी लॉगिन कर लें। तो ये लॉगिन हो चुका है, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये गूगल ड्राइव का ये हमारा एक नया पेज खुल गया है जो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले ये देख रहे हैं ऊपर टॉप बार पे जा रहा है 31 मार्च 2020 से पहले गूगल के कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो रिव्यू करने के लिए आपसे कह रहा है। तो आप इसको नॉर्मल गॉट इट कर दें, रिव्यू कर लें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टेड हो चुका है। नाउ वी हैव टू कम इन न्यू सेक्शन। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लेफ्ट पैनल पे ये जो मेन्यू है इसके, इसमें सबसे पहले न्यू लिखा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब थर्ड लाइन पे गूगल डॉक्स एंड गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें। फ़िलहाल हम लोग गूगल डॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम गूगल डॉक्स पे जाएंगे। और गूगल डॉक्स पे जाने के बाद ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स एक लिखा हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये गूगल डॉक्स का एक नया इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इस पे आपको काम किस तरीके से करना है जिससे आप जल्दी से आर्टिकल को लिखें और आसानी से कम समय में उसको पोस्ट करें, तो उस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये आउटलाइन है, आप अपनी जैसे हम लोग हेडिंग लिखते हैं तो आप आउटलाइन कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल के संबंध जो भी आप लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉग, मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश आज दोनों के विषय में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जान लेंगे, देन उसके बाद आप इसी तरीके से आप तो ये देखिए यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया एंड इसके साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, ये मैंने 24 कर दिया एंड इसको सेंटर में ले लेते हैं। देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टैब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, इसको सेम कर देते हैं 11 पे। अब आप देखेंगे कि ये हमारी एक हेडिंग है व्हाट इज़ ब्लॉग, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके लिए जैसे मैं आपको कुछ टूल्स यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वॉइस टाइपिंग लिखी हुई है, तो आप वॉइस टाइपिंग की मदद से बोल के भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपके सामने करूँगा और टाइप्स में आप दिखाएंगे यहाँ पर वर्ड काउंट लिखा है, तो वर्ड काउंट पे हम लोग इस तरीके से आएंगे और इसको हम चेक कर देंगे और ये ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे साइड में यहाँ देखिए कितने वर्ड्स लिखे जा चुके हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़े, जैसे कि 1 2 3, ये 3 वर्ड्स हैं, तो देखिए 3 वर्ड्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से अपने आर्टिकल्स में हम यहाँ से मदद इसकी मदद से देख पाएंगे कि हमने अपने आर्टिकल अपने पोस्ट जो लिख रहे हैं ब्लॉग के लिए
उसमें कितने वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई एग्ज़ाम्पल आपके लिए ले लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ व्हाट इज़ ब्लॉग में लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक टू स्पीक करूँगा। जैसे यहाँ पर पहले से यहाँ पे दिया हुआ टॉप पे आप देखेंगे इंग्लिश यूएस, आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएंगी। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले इंग्लिश पे, तो हम एक दो लाइन आपको बताएंगे, देन उसका हिंदी पे लेके चलते हैं। सिंपल इस पे आना है आपको और ये जो इसका वॉइस का आइकन बना हुआ है इसको क्लिक कर देना है। नाउ वी हैव टू अलाउ दिस माइक्रोफोन, एंड अब जो भी मैं बोलूँगा तो ये देखिए इस तरह से टाइप हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ आपके सामने वो टाइप होता चला जा रहा है, और आसानी से कम समय में हम इसको जल्दी से जल्दी लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक दिन में 5 से 6 आर्टिकल बड़े आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन 5 से 6 आर्टिकल लिखने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ी रिसर्च भी होनी ज़रूरी है। तो ये मान लें अमूमन कि जैसे आप एक आर्टिकल लिखते हैं दिन भर में, तो आप अमूमन 3 से 4 आर्टिकल पर जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कि मैंने कितने कम समय में आप 121 वर्ड्स 127 वर्ड्स अब हो चुके हैं। तो सेम टू सेम देखिए आपके सामने लिखते चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए इंग्लिश का पूरा एक मटेरियल आपके सामने तैयार हो जाता है। थोड़े बहुत इसमें हल्के फुल्के जैसे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होंगे, तो हम लोग उसको अपने हैंड से कीबोर्ड की मदद से उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने एक सेट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस तरीके से जो आप लिख रहे हैं इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको बंद करता हूँ। तो आपने देखा कि गिनती के एक मिनट भी नहीं हुआ और मैंने करीब 2-3 वर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से आर्टिकल को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी सेक्शन में मैं आपको हिंदी में दिखाना चाहूँगा। तो हिंदी के लिए सिंपल हमें यहाँ पे आना है, स्क्रॉल करना है नीचे, एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, और सबसे नीचे आने पर आपको हिंदी में यहाँ पर आना है। और हिंदी में आने के बाद मैं यहाँ पर अभी जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर टाइप होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से टाइप होता चला जा रहा है, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ वो यहाँ पर उसको लिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी आर्टिकल को एक बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं कम समय में। आप सोचने के लिए भी वक्त होता है तो आप इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद फिर ऑन करके आप लिखें। तो ये है कि आपको ज़्यादा हैंडी नहीं होना पड़ेगा कीबोर्ड पे, बस आप स्पीकिंग के थ्रू आप नॉर्मली एक अच्छा आर्टिकल बोलते बोलते लिख पाएंगे, और आप कहीं अगर पढ़ भी रहे हैं उसको तो समझते हुए भी उसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉग में या कोई भी आप राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ये काफ़ी मदद मिलने वाली है गूगल डॉक्स की मदद से। ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप यूटिलाइज़ करें। तो अब आप देख लीजिए कि वहाँ पर आपका 221 वर्ड्स थे लगभग, और यहाँ पर लगभग 400 वर्ड्स के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंदी इंग्लिश को लिखना कितना आसान है। अब इसमें हेडिंग हमें डालनी है, तो हम हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं इंटर करके उसको नॉर्मल टेक्स्ट की मदद से। आप यहाँ पर देखिए टाइटल है, तो जैसे मुझे यहाँ टाइटल मैंने दिया, अब जैसे मैं यहाँ हिंदी टाइटल लिखूँगा, एक हिंदी टाइटल, तो हिंदी टाइटल जैसे मैंने लिखा तो ये मैंने यहाँ पर किया और ये टाइटल पर गया,
और इसको क्लिक कर देना है। तो देखिए हिंदी टाइटल ऑटोमेटिक ये टाइटल की फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके सब हेडिंग है, हेडिंग है और जो हमारे टैग होते हैं H1 टू लेकर S6 तक HTML कोडिंग में, आप उसका भी फॉर्मेट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉग में वैसे देखा जाए तो आप H1 से लेकर H3 टैग का इस्तेमाल आप मोस्टली होता है, और वैसे H5 H6 भी हम लोग कर लेते हैं लेकिन समाव कहीं कहीं पे। तो ये जब से ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हेडिंग टैग हैं आप इसको नॉर्मली अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टूल्स में आके यहाँ पर आप वर्ड काउंट कर सकते हैं और नॉर्मल आप वॉइस टाइपिंग की मदद से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक इसमें और चीज़ जुड़ी है, टॉप पे आप देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो आप नॉर्मल इसको सब कुछ चेक कर दें और आप इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे जिससे आपका कोई भी स्पेलिंग काउंट ना हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही कम समय में हम कैसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और जल्दी ही मैं इसके ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके फिर से एक बार आपके सामने आऊँगा और कुछ आपको बढ़िया बताऊँगा जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर कोई और नए टॉपिक पर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हमें लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बाय बाय।